आर बैक एंड ऑफ कोर्स आई हैव माय बकरी राइट हियर, जिसकी आप लोगों में बिडिंग करनी है। बहुत मजेदार किस्म की जो भी बिड करेगा उसको हम एक अपनी तरफ से जो हमारा गुड़ी बैग है वो देंगे। एंड ऑफ कोर्स अली अंसारी से उन्होंने बहुत मजेदार रैप सुनाया है। कॉल लेंगे जी एक और। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? महवेश बात कर रही हूँ कराची से। दोबारा बोला मेरी जान। महवेश बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा महवेश कराची से, मुझे बताओ महवेश क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आपकी बकरी का सीन कहाँ तक पहुँचा है? बकरी का सीन? बकरी का यानी आपने बकरा लिया है, गाय लिया है, ले लिया, लेनी है, क्या करना है? बकरी के पैसे मैंने लगाए हैं। हाँ, 99,000, 99,100, 99 रुपए, 99 पैसे। ओके जी, ये बिड नोट कर ली जाए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बिड। आई लाइक हाउ शी वेंट विद द 99, यानी 99,000, 99 इट्स सो फनी यार, मतलब आई हैव ऑलवेज हैड दिस वियर्ड फिनोमेना। समझ तो आ गया ना, समझ तो आ गया ना। बहुत आला है यार, तुमने बड़े मजेदार किस्म से 99,000। आप भी बहुत आला हो यार, आप फेसबुक पे आ जाए करो ना। हाँ मैं आ जाऊंगी। तुम फेसबुक पे क्यों नहीं आती? इधर भी एक लिखा हुआ है, एक मैं आपको जरा पढ़ाता हूँ। फीडबैक आई है फैसल खालिद की, जनाब कह रहे हैं की हाल है की हाल है, प्लीज कम बैक ऑन फेसबुक। आपने मेरी पोम, अच्छा पोएम को ना पोम कहते हैं, आपने मेरी पोएम रीड आउट की है। आई होप यू विल लाइक इट। यू नो दे बहुत गायब रहती है क्या? नहीं यार मेरा एक्चुअली इंटरनेट बहुत फजूल है यार, मैं क्या करूँ, या तो लाइट नहीं होती या इंटरनेट नहीं होता, मैं क्या करूँ, मैं रो रही होती हूँ रात को बैठ के। बट आई हैव सच अमेजिंग कॉलर्स एंड यू नो जितने भी फैंस हैं, आई हैव ऑल दीज पोएट्री सेंड टू मी, ये जितनी भी लगी हुई ना ये सारी इन्होंने लिख के भेजी है फॉर माई शो, सो यू नो आई डेफिनेटली रीड आउट सम ऑफ देम इंशाल्लाह। अच्छा आपकी बिट तो लगी, मुझे ये बताओ कि आप असली बकरा कब खरीद रही हो अपने लिए? पता नहीं, अभी तक तो नहीं लिया। अभी तक नहीं लिया? नहीं। अच्छा तो बकरे से दोस्ती करती हो जब ईद का मौका आता है तो, या एमी एमी? हाँ बहुत अच्छी। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे बताओ गाना कौन सा सुनोगी? गाना कोई सा भी प्ले कर दे। चलो सही है, और सुने वर्दे जहरा को डेडिकेट कर दे। ठीक है सही है, मैं अभी कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको भी डेडिकेट कर रही है। थैंक यू मेरी जान महवेश, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके अल्लाह हाफिज़। टूडल्स। ओके सो एक और रैप मस्ट है। ओके बट व्हाट डू यू वांट टू हियर, लाइक व्हाट डू यू वांट टू हियर? सो एनीथिंग दैट यू थिंक इज वन ऑफ यू नो योर मजेदार किस्म का गाना दैट यू वांट एवरीबॉडी टू सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो हैव अ टेस्ट ऑफ। आई वुड एक्चुअली वांट टू डू माय न्यू सॉन्ग बट देन आई शुडंट बिकॉज वरना उसकी स्पाइस चली जाएगी। तो व्हाट आई डू इज दैट आई वुड गो विद तेरे नाल जो डीनो एंड आई डिड, एंड आई डोंट नो व्हिच वर्स टू टेक, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, because they both are really funky. First one, let's go with the first one. We'll go with the first one. Okay. All right. It was like now baby girl tell me what you see, now do you really think that we are meant to be, let me fulfill your fantasy and give you everything that you really need, hey all the things that you want to do, we can even hang out with my crew, if not baby girl I'll be alone with you, probably sing a love song for you, dance with you, romance with you, baby girl I'll take a chance with you. All right. Yeah. All right. Fantastic stuff. अली के आप जो है वोकल्स आप लोगों ने डीनो के साथ भी सुने होंगे, अगर आपने डीनो की एल्बम ली है उसमें अली ने दो ट्रैक्स किए हैं। ऑफ कोर्स सेनोरिटा इज ऑन द इंटरनेट, यू कैन डाउनलोड इट, आप वो भी सुन सकते हैं वेरी वेरी सुन, इंशाल्लाह इनकी एल्बम भी आ जाएगी इंशाल्लाह। एंड अच्छा कोलैबोरेशन का जहां तक होता है मुझे ये बताओ कि अभी तक कितने लोगों के साथ तुमने प्लान किया है इन योर हेड की यू गोइंग टू बी वर्किंग विद देम? आई हैव प्लान इट आउट विद यू राइट नाउ, जब ब्रेक चल रही थी हमने प्लान कर लिया था। सच बात बता रहा हूँ आपको, आई हैव डन वर्क विद डीनो एंड आई विल बी डूइंग मोर वर्क विद डीनो इंशाल्लाह। यू ऑन द लिस्ट फराज हैदर एंड उसके अलावा अभी माइंड में सही तरह से आ नहीं रहे सब, बट बस जैसे मतलब पीपल गेट टू नो मी इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, फिर उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। आई डू हैव माई माइंड सेट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन फिर वो काफी बड़ी ड्रीम्स है मेरी कि इन आर्टिस्ट के साथ। नहीं यार बड़ी ड्रीम्स होनी चाहिए, बट लाइक आई वांट टू परफॉर्म विद लाइक हदीका। Huh. I would like to do a song with her. Okay. And I would like to do a song with who else is there? Falak. Okay. Falak I would definitely like to, because I feel he brings that nice R&B touch. Yeah. So it would bring some different kind of fusion. Bada mazey ka ek fusion sa ho jayega. Yeah, you know. Call hai ji, hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Ye jaani pehchani awaaz kiski hai? Meow. Fahad. Meow? Yes. He calls me meow. Achha, so he calls you every meow. Every time he says meow. So what do we call you? मुझे हाँ आपको आपका निकनेम क्या रखा? चमचा। ओके हिज नेम इज चमचा। ओके ओके ऑलराइट। मुझे बताओ कि बकरी आ चुकी है मैदान में, कितने बिड लगाओगे इसकी? आपने जब कहा चीफ तो मेरे हाथ में 10 पैसे थे, मैंने कहा 10 पैसे, मैं कहा नहीं यार
थोड़ा बढ़ाओ. फिर मैं कहा 35 पैसे. मैं कहा नहीं यार ये भी नहीं. फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं, 2 रुपए 75 पैसे. 2 रुपए 75 पैसे तो लग रहा है आप कॉल मिला रहे हैं. अब 2 रुपए 75 पैसे इंटरेस्टिंग भेजा 2 रुपए 75 पैसे. हाँ जी मेरे पास है ना वो, बाकी कहते चवन्नी चवन्नी. मैं कहा मेरे पास है इतने तो मैं उतने लगाऊंगा. चलो ठीक है डन है. अच्छा मुझे ये बताओ कि जहाँ तक बकरों का सवाल है, इस दफा बकरा तुमने ले लिया अपने लिए या अभी लोग? इस दफा मेरे फादर हज पे गए हुए तो वहाँ पे करेगा, यहाँ पे नानी वगैरह कजन की गाय. मेरे अबू भी हज पे गए हुए, वो कल चले गए. मेरे अबू परसों गए. अच्छा मेरे अबू भी जो है ना वो कल हज के लिए निकल गए. इंशाल्लाह ही इस बार भी बैक वाई वाई सुन. इसके लिए लिख दी एक है. क्या बकरी के लिए लिख दी है? बताओ ना. आपके लिए म्याओ था ना बिल्ली से. हाँ इसके लिए बकरे से बा. बा ओके म्याओ एंड बा. ओके दैट्स अ वेरी क्लेवर निकनेम बाय द वे बा. अच्छा यार नवीन ये क्या कहते हैं जी हमारे से जो कुछ न्यू कमर्स आ रहे हैं यार वो आपकी शिकायतें कर रहे हैं. नवीन नहीं आती नवीन नहीं आती. मैं यार नेट का मतलब नहीं, अब मैं नेट बोल बोल के थक गया हूँ. आज वापिस निशान भाई आ जाऊंगी. आ जाऊंगी आप लोग फिक्र नहीं करो. मैं आ जाऊंगी और मैं नई पिक्चर्स ही लगाऊंगी. अभी इन दोनों की पिक्चर्स होंगी मैं साथ साथ और मैं वो लगाऊंगी. ठीक है यार एड आता है हम देख देख के थक गए कि अपना अपना ढक्कन ढक्कन अपना अपना हमारा ढक्कन ही आया दोस्त. मेरा ढक्कन फेमस है यार मैं क्या करूँ. ही इज जस्ट सो कूल. हाँ जी हम देख देख के थक गए. मेरे का ढक्कन ही नहीं आ रहा हमारा. नहीं नहीं मैं उसको लेके आऊंगी इंशाल्लाह कल वो मेरे साथ होगा. क्या कहते हैं यार मैं जीता था. मेरा एड्रेस तो नोट नहीं किया था. किसका क्या? वो एड्रेस तो नोट नहीं हुआ था. नहीं नहीं एड्रेस जो है वो आपको नीचे आप नोट करवा दो. एंड बाय द वे जितने भी लोग जीत चुके हैं स्टफ उनको हमने भिजवाना शुरू कर दिया. आप लोगों को गुडी बैग्स अपने अपने बहुत जल्दी मिल जाएंगे. ठीक है. हाँ फाहद की लाइन क्योंकि फाहद आई एम सो सॉरी बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अच्छा कितना टाइम रह गया ताकि हम शो रैप अप कर लें? अच्छा जी रैप अप करेंगे. सो हमारी बकरी का जो आज बिडिंग हुई है आई थिंक हम लोग दोनों ने भी यही डिसाइड किया था कि एक जो कॉलर था उसने बहुत इंटरेस्टिंग बिड लगाई थी. और उन्होंने क्या कहा था? 11,000, 1100 आगे क्या था? 11 रुपए और 11 पैसे. और ये बिड किसकी थी? सुहेब की थी जिन्होंने लाहौर से कॉल किया था. आई थिंक सुहेब ने लाहौर से कॉल किया था या कराची से किया था. लाहौर से किया, बहावलपुर से कॉल किया था. सुहेब आप जीत चुके हैं. आपके लिए बहुत सारी तालियां. आप बकरी नहीं जीते लेकिन आप एक गुड़ी बैग जीत चुके हैं. ये तो अली लेके जा रहे हैं ना. ठीक है अली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. बहुत मजा आया तुम्हारे साथ हैंग आउट करके. एंड यू नो आई होप कि ऐसे मोर आई हैव ओकेजंस ऑन द शो जिसमें हम आपको बुला सकें. इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम आई कॉल यू यू विल होपफुली हैव यू नो अनदर सॉन्ग ऑन द नेट अनदर सॉन्ग ऑन द इंटरनेट और वीडियो परहैप्स. और नेक्स्ट टाइम बुलाऊं तो गिटार लेके जरूर आना. अगर मुझे गिटार प्ले करना आता तो मैं जरूर आता लेकिन मुझे आता नहीं तो हम किसी और को बुला लेंगे. हाँ बाय द वे अली इज ऑल्सो अ ड्रमर अ किलर ड्रमर बाय द वे. एंड आई शुड नो क्योंकि मेरे घर पे आके ढोल पीटता था मेरे भाई के साथ तो मुझे सो ही देते थे ये लोग. देर देर तक जामिंग करते. बट एनीवे गाइस थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. थैंक यू अली. आई होप यू हैड अ गुड टाइम. कैच मी टुमारो. ढक्कन इज गोइंग टू बी हियर एंड से गुड बाय टू बा एंड टू जूनी एंड ऑल द निकनेम्स. आई विल सी यू गाइस टुमारो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.